वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मी घर जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा दोपहर में भतीजा आया था, तो मेहुल गए हुए हैं अपनी नानी घर। आज पहली बार गए हैं वो, उसके साथ शाम तक रहेंगे। तो मैं आज इस समय शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं मेहुल को लेने जा रही हूँ मम्मी घर। काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, लोकल में ही रहती हैं वो। और मेहुल आज पहली बार नानी घर अपने गए हैं, तो 3-4 घंटे रुक गए हैं। तो अब फोन आया, मैं लेने जा रही हूँ उसके लिए। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। इस समय दीपावली चल रही है, तो मैंने इसमें आपको एक टिप्स दी है, बहुत ही अच्छा, बाथरूम के बाल्टी वगैरह जो गंदी हो जाती है उनको साफ करने का। और भी अपनी साफ सफाई आज थोड़ा बहुत की थी मैंने, वो भी दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में अपने। और मेहुल हम लोग देखिए 9 बजे तक शायद मेहुल को लेके लौट के आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं वहाँ पर, काफ़ी टाइम हो गया है। और मेहुल पहली बार निकले हैं, तो उनको आज पहली बार निकले तो हम लोगों को भी घर पर अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पहली बार गया है वो इस तरीके से। हाँ, और अब उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा जाने लगेगा, जाता नहीं है वैसे मुझे छोड़ के कभी। भाभी कहती भी नहीं मेहुल रुक जाओ, लेकिन वो रुके नहीं। तो मम्मी से भी मिल गई, इस बार नहीं मिल लूंगी मैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते। जे भाभी को देना है, अच्छा टीब भाभी, है अच्छा जले का टीब है। और बताओ क्या हाल है, और बताओ क्या हाल है, कैसी हो? बढ़िया हो? चलो दामाद को बैठा लो, पैर देख लो, दामाद का चोट लग गई थी, कह रही थी दामाद से मिलने आओगी। अच्छा, जे लगी है, हाँ बहुत परेशान थी ना अनूप के मारा है। चलो हमने कितना मम्मी को मिलवा लाए हैं अनूप से, हैं बड़ी कमजोर हो गई क्यों? बताशे खाना, बताशे हैं पानी भाभी बना गई कल। मैं ऊपर है, अरे यार बैठे चार ऊपर ऊपर, मन नहीं लग रहा होगा उसी के चक्कर में उसको चिड़चिड़ा कर दिया। चलो भाभी को पास पहुंचो ऊपर, मैं आ रही हूँ मम्मी से, जरा थोड़ी देर बैठ के मम्मी पास अभी आ रही हूँ। नहीं चलो, और बताओ क्या हाल है? हमारी मम्मी बहुत कमजोर हो गई है, तबीयत सही नहीं रहती है, अभी बहुत तबीयत खराब हो चुकी है, हैं? बहुत याद आ रही है, याद आ रही है। चलो 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 घर चल रही हूँ, चलो गाड़ी लाए, गाड़ी तरीका बताओ क्या कर रही है, टीवी देख रही है क्या देख रही है? सरकार का नंबर तो 3 बार मिला चुकी है, चलो कर लेंगे फोन। मेहुल नानी के पास आए थे, नानी हम बहुत दिन पहली बार पैसे के लिए आता है, नानी से 500 रूपये लूंगा, 500 रूपये लूंगा मैं, नानी को परेशान मत करिए। मैंने कि नानी को परेशान मत करना, नानी को परेशान मत करना, नानी हाँ क्यों दे रही हो? रुपये बेचारी आए और रुपये कमा लिए मम्मी ने 1500 रूपये। चलो और बताओ, हमने की मम्मी आएंगी तो बढ़िया से भजन मम्मी का डालेंगे वीडियो में। अच्छा, आज राम का है, कोई रामचंद्र जी का कोई गाना बताओ ना, गाओ बढ़िया से, गाओ तो रामचंद्र जी का गाना मम्मी के, हमारे इतनी बढ़िया ढोलक गाने। आज मम्मी बहुत दिन बाद आए हैं, बस गाओ दो तीन लाइनें कोई, बहुत बढ़िया। हमारी मम्मी हर उसको गाने इतने बढ़िया गाती हैं, अब तो बीमार रहने लगी हैं काफी, और मैं मिलने ना भी पाती हूँ जल्दी, फिर नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकदीर। हाँ, नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकदीर है, नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकदीर है। जान मैंने चलती से आवाज, जान खो दूंगी मैं अपनी अब ना बनती धीर है, छूट गई संग की सहेली और छोटा परिवार सब,
अपने चित से बिसारी क्या मेरी तकदीर है। नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकदीर है। हो के अर्धांगन तुम्हारी कैद रावण के पड़ी। हो के अर्धांगन तुम्हारी कैद रावण के पड़ी। राक्षस मुझको हाय सतावे क्या मेरी तकदीर है। नाथ मुझको भूल बैठे क्या मेरी तकदीर है। चलो बताइए कैसा लगा मेरी मम्मी का भजन। हाँ सब आएगी आपकी आवाज, सब सुनेंगे आपकी आवाज। फ्रेंड्स अभी मैं बहुत थोड़ी देर के लिए मेहू को लेने आई हूँ, क्योंकि मेहू लाल दोपहर में नानी के घर आ गए थे। पहली बार इतने साल में पहली बार मेहू आए हैं। अरे रावण तू थम की देखा था की बस मम्मी एक बार शुरू होती है। रावण तू थम की दे खाता किसे, मुझे मरने का खौफ खा तरी नहीं मुझे मरने के। भजन शुरू हो गए हैं बैठे नहीं है बिल्कुल, क्यों ना नानी के पास बैठे नहीं है, हम लेने आए हैं। अब चलो घर अरे कहाँ गई कहाँ गई बोलने लगे हाय हाय उल्टे सीधे। देखो भाभी आ रही उल्टे और सीधे पहनी है, दोनों तरफ से देख लो उल्टे भी है सीधे भी है। मिक्की और भतीजा कैसे बैठा है सीधे सीधे, और पुपा जी तो अभी तैयार होकर आएंगे है ना। हाँ खा लो जल्दी फिर चलना है बेटा। चलो उसमें डाल दो चलो जल्दी से कबाब रोल खा लो। मैं कबाब रोल तुम्हारा उधर मिल जाएगा पानी। मिक्की के महाराज आ गए आज यहाँ पहली बार। मेरा प्याज इतना महंगा है, इतना सारा कबाब के संग दे कैसे दिया मिक्की। लगता है स्टोर करा हुआ है कबाब रोल। बेचारा भतीजा हमारा लिए खड़ा हुआ है। कर दी फूफा जी ने क्या मैं उन करने बोलूँ अभी थोड़ा खाने आए हैं। 100 रुपए मिले कितनी जल्दी पॉकेट है, कितनी जल्दी पॉकेट में रखे हैं 100 रुपए। रैकेट ले आओ बेटा नीचे ही है रैकेट नानी के पास। चलो बाय बाय भाभी नमस्ते। चलो भैया जा रहे हैं इनका भी चुटका बना रहे गाड़ी ले गया कैसे जाओगी। चलो बाय बाय कर लो, गाड़ी नहीं ले गया हमें लिए बिना नहीं जाएगा। चलो बाय 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 बैठो पीछे बैठो नानी घर आज। ये देखिए ये वो सीनरी है जो मैंने अभी उतार करके रखी है। ये महाभारत का प्रतीक है, ये गीता भी मैं अभी मंदिर में भिजवा दूंगी। गीता और महाभारत मेरी फ्रेंड कह रही थी दोनों ही नहीं रखते हैं, तो ये सामान मैं मंदिर में भिजवाऊंगी। ये मेरी कम से कम 17-18 साल पुरानी ये देखिए सीनरी है, मेरी सिस्टर ने मुझे गृह प्रवेश में दी थी, लेकिन आज मैं इसको उतार करके मंदिर थोड़ा भिजवा दूंगी। और ये ढोलक का 9 देवी के छंद वगैरह हुए थे तब तक ये ढोलक, इसको ढोलक को भी बांध करके ऊपर कमरे में रखवा देंगे, क्योंकि जब यूज नहीं होता है तो इसको रख देते हैं, नहीं सील जाती है। और बाकी ये जाने की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस, इनको पहुंचाने के बाद मिट्टू हमारे नाश्ता पानी करके बैठ रहे हैं मिट्टू। और पूजा भी हो चुकी है, इन्होंने नहा करके ये कर लेते हैं। मैं कहती हूँ दिया बाती कर दिया करो, क्योंकि हमें इस समय लेट हो जाता है क्यों पूजा वगैरह, तो कृष्ण जी को भोग वगैरह इन्होंने लगा करके और पूजा कर लिए। इन चीजों को भी साफ करना बड़ा टाइम इन्होंने भी टाइम लगता है। सुबह से थोड़ी सफाई चल रही है, अब दीपावली आ रही है तो डेली थोड़ा हम बाथरूम वगैरह है
डेली नहीं इतना साफ हो पाता है, तो आज मैं देखिए आपको डेली अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाऊंगी। ये सब निकाला हुआ है, ये कल फुर्सत में ये सारे साफ करूंगी। ये देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, और आज मैं आपको ये प्लास्टिक के जो हमारा ये पटली वगैरह मग्गा वगैरह जो होता है इतना गंदा हो जाता है। देखिए मैंने आपको वीडियो डालने की वजह से अभी साफ बहुत दिनों से की नहीं है, ये सारे ये देखिए पटली पे जो हम बाथरूम में होती है ना हमारी उस पर इस तरीके से कितने देखिए गंदी हो रही है, या हमारा ये नहाने का जो देखिए मग्गा है बाल्टी है इसके दाग वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से और बिल्कुल न्यू जैसी बाल्टी हो जाएगी। इसको हम साफ करके आपको दिखाएंगे अभी, और डेली मैं आपको कुछ ना कुछ क्योंकि इस समय दीपावली है तो हम साफ करेंगे। कल मैं आपको ये टंकियां भी देखिए काफी गंदी हो रखी है बाथरूम की, कल मैं दिखाऊंगी आपको टंकियों को साफ करने का तरीका। आज मैं आपको प्लास्टिक का ये सामान है इसको साफ करने की दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने हार्पिक से करूंगी ना, ये मैंने हार्पिक ले रखा है, ये बाल्टी है। इस तरीके से हम इसको इस तरह ये फैलाएंगे और किसी चीज की सहायता से फिर बाद में ब्रश या कपड़े की सहायता से हम इसको देखिए इस तरीके से हम सारे में हार्पिक से ही फैला देते हैं अच्छे से। और इसको ग्लव्स इसीलिए मैंने पहने हुए हैं, और इसको हल्के से हम इस कपड़े से फैला देंगे इस तरीके से। देखिए बाल्टी, अभी ये काम हम नहाए नहीं है इसलिए क्योंकि भी लेट हो जाता है इस समय डेली सफाई के चक्कर में, रोज ऐसा ही होगा कोई ना कोई काम निकलता रहेगा। सम 12 बज रहे हैं मुझे और टाइम हो जाएगा, आज भी है डेली त्योहारी है करवा चौथ वगैरह भी। और इसी तरह ये पटली पर ही देखिए पटली पर भी कितनी गंदी हो रखी है, इस तरीके से हम फैलाएंगे इसको भी हार्पिक से इस तरीके से। और बहुत ही ये हम लेडीजों के लिए बाथरूम साफ जो है हम ही लोगों को करना पड़ता है क्योंकि जेंट्स को ना इतनी फुर्सत है ना करते हैं, हम ही लोग डेली जो जितना हो पाता है उतना ही कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज रही जाती है रोजमर्रा की सफाई में इतना नहीं हो पाता है। तो ये देखिए पीछे भी कितनी गंदगी हो रही है, और हम इससे भी अच्छे से इस तरीके से इसको डाल देते हैं। देखिए इसको फैला करके हम ये अच्छे से इस तरीके से फैला करके हम करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कितना नीट एंड क्लीन हो जाएगी है हमारी पटली। तो आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा मेरी जो आपको बता रही हूँ तेक अपनी। ये देखिए कितनी अच्छे से अभी इसको 10 मिनट बाद मैं इस तरीके से इसको रगड़ देती हूँ, देखिए पतली हमारी अभी बिल्कुल चमक जाएगी। और ये जो किनारे होते हैं ये ज्यादा टिपिकल होते हैं, तो इसको आप ब्रश से कर सकते हैं, कोई भी आपका पेस्ट करने वाला ब्रश खाली पड़ा हो इस तरीके से देखो बिल्कुल साफ। ये देखिए अच्छे से पतली बिल्कुल साफ हो गई। हम इसको थोड़ा सा ब्रश इस पे मैंने थोड़ा सा सर्फ लगा लीजिएगा, हाँ बाद में सर्फ या साबुन वगैरह लगा करके साफ कीजिएगा, बिल्कुल आपकी इस तरीके से ये साफ हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हम पानी से आपको धो के दिखाते हैं, पानी से कितनी अच्छे से पतली हमारी पीछे से भी और इधर से भी कितनी साफ हो गई है ये देखिएगा। अब इसी तरीके से ये बाल्टी इस पे भी हमने लगा कर के रख दिया था हार्पिक, और इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा इस पे सर वगैरह लगा करके और इस तरीके से साफ की है। और ये बीच की इसकी जो डिजाइन है ये थोड़ा सा इस तरीके से इसको करके बीच में से सारा अच्छे से उसको भी हम पानी से धो लेते हैं। ये काफी जल्दी हो रही है, मैंने आप लोगों को वीडियो डालने के लिए ये थोड़ा सा थोड़े दिनों से साफ नहीं की थी जिससे ये वीडियो में आपको दिखा सकूं।
कितनी अच्छे से साफ हो गई है सारी। देखिए आप पास से देखिएगा इसको, कितनी गंदी थी अभी और बिल्कुल एकदम चमक गई है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए आपने देखा हार्पिक से हमने कितने अच्छे तरीके से अपने पटली, आपको भी लग रही है ना नई जैसी, आप लोग भी देखिएगा अपनी पटली और अपने ये प्लास्टिक की बाल्टी है टब है जो भी आप यूज करती हैं चमका करके कितने अच्छे से सब ये बाल्टी वगैरह अंदर तक आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा मेरी इस ट्रिक को। और इस समय तो दीपावली है, सभी अपने घर में सफाई करेंगे। और फ्रेंड्स समय दोपहर का 1 बजने वाला है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि सुबह से ही आप सफाई में लगी थी। तो अपनी वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरी वीडियो पसंद आ दी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।